फीवर होता है वो भी हाई ग्रेड होता है फीवर। इसके अलावा आपको रनिंग नोज होती है, खांसी होता है, तो उसको इग्नोर ना करें। जब तक कि वैक्सीन नहीं खोजा जाएगा, जब तक एंटीडोट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल कि ये कैसा होता है, क्या होता है, अभी तक वो भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो और दूसरा ये है कि ये संक्रमण है, कोरोना वायरस जो होता है ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है वायरस का, और उसमें भी ये COVID-19 वायरस है। चिकन पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। चिकन का भी जो चीज़ देख रहे हैं, चिकन का या नॉन वेज का, तो इसमें भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। ये बेसिकली लोगों का डर है, और मास्क की इसमें ज़रूरत नहीं है। मास्क को उन्हीं को मास्क की ज़रूरत है जिनको की सिम्टम्स आ रहे हैं। कोरोना 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 शायद यह शब्द पूरी दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बना हुआ है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई तबाही अब अपना जो असर है, जो मंजर है, पूरे विश्व में दिखा रही है। कोरोना वायरस के बारे में कई मिथक हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने तरीके से काम कर रही है, डॉक्टर्स की राय उससे कई बार विपरीत भी है। टीआरपी न्यूज कोशिश करता है कि सच्चाई आप तक पहुंचाए, जो चीज़ें आवश्यक हैं वो आप तक पहुँचाए। हम आज बात करेंगे बालाजी सुपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से, देवेंद्र नायक जी से। उनसे बात करेंगे कि कोरोना क्या सच में इतना खतरनाक है, या फिर जो बातें हमको बताई जा रही हैं उसमें भी कितनी सच्चाई है। सर, पहली बात, क्या कोरोना वायरस सच में इतना खतरनाक है? बिल्कुल, जो कोरोना वायरस है ये बेसिकली जो हमारे को जो इन्फ्लुएंजा और जो कॉमन जो सर्दी के जो वायरस होते हैं ये वही है, लेकिन उसका एक म्यूटेंट फॉर्म है। तो अभी तक इसका वैक्सीन नहीं आया है, एंटीटोड नहीं है, तो जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है वो ख़तरनाक ही होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसका जो फैलाव है वो बहुत तेज़ी से होता है, और रेजिस्टेंस पावर काफ़ी है। सरफेस में ये जो है 12 घंटे रहता है। उसके अलावा ये क्या है, ये मल्टीप्लाई जो करता है वो नंबर्स में करता है, मतलब एक आदमी से 6 आदमी को होगा, 6 आदमी से फिर 10 आदमी को और होगा, तो ऐसा इसके मल्टीप्लिकेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जब तक इसका एंटीटोड नहीं आएगा, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी, ये सही में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। भारत में लगभग 54,000 के लोग अभी तक सर्विलांस में रखे हुए हैं, तो क्या ये लाइलाज भी है? देखिए, ये बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस है क्या जी। तो ये कोरोना वायरस जो होता है ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है वायरस का, और उसमें भी ये COVID-19 वायरस है। ये वायरस जो होते हैं, जैसे कि अपने को जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है जो नॉर्मल है, या स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है, या हेपेटाइटिस का वायरस होता है, तो ये वायरस होते हैं, तो इनके लिए हमने इलाज खोज लिया है, लेकिन इसके लिए इलाज नहीं खोजा है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये नॉर्मल वेरिएंट के जो वायरसेस हैं वो म्यूटेंट हो गए हैं। म्यूटेंट मीन्स ये अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए है एंटीवायरल थेरेपी से, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं कि मेडिकल की किसी भी जो वैक्सीन होता है प्रिवेंटिव मेजर से। तो जब तक इसका इलाज नहीं खोजा जाएगा, और इसकी इलाज अभी तक जो चल रही है, अभी अमेरिका ने दावा किया है कि वो संडे तक इसका जो है वैक्सीन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर देगा, बट उस दावे में कितनी सच्चाई है ये अपन नहीं बोल सकते। तो इसमें जब तक कि वैक्सीन नहीं खोजा जाएगा, जब तक एंटीडोट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। इसका जो सीवीटी है, कोर्स जो है कि ये कैसा होता है, क्या होता है, अभी तक वो भी चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो हुआ है ये चाइना में हुआ है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पे मीडिया में इतनी पाबंदी है कि अभी तक वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा जो है वो बाहर दुनिया में आ नहीं पाई है जी। और दूसरा, इसका कोर्स कैसा है वो मालूम नहीं चल पाया दुनिया वालों को। तो और दूसरा ये है कि ये संक्रमण है जी, क्योंकि यदि एक आदमी में जो रहे वो उतना खतरनाक नहीं रहता, लेकिन यदि वो जनरल पब्लिक को फैले और संक्रमण तरीके से फैले, रेजिस्टेंस तरीके से फैले, तो खतरनाक रहता है ये। शुरुआत में ये कैसे पता चलेगा कि हमको कोरोना वायरस है या फिर ये आम वायरल की तरह है, हम कैसे मतलब डिटेक्ट करें, उसके सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स जो है वो जनरल सर्दी खांसी से अलग नहीं होता है जी। इसमें लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 15 से 23 दिन का है, क्योंकि यदि आदमी को होगा भी तो भी 15 से 23 दिन हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उस समय तक हो सकता है ये सिम्टम्स दे, हो सकता है ये सिम्टम्स ना दे। लेकिन इसके जो सिम्टम्स जो है कि यदि आपको फीवर होता है, वो भी हाई ग्रेड होता है फीवर, इसके अलावा आपको रनिंग नोज होती है, खांसी होता है, तो उसको इग्नोर ना करें। और यदि वो जो है 3-5 दिन से ज़्यादा चलता है तो आपको तुरंत इसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और एक बार जहाँ भी स्क्रीनिंग कैंप है
जो जो कि नियरेस्ट जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दी हुई है वहाँ पे अपने को दिखाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉर्मल जो कोल्ड कफ होता है वो दो से तीन दिन में सबसाइड हो जाता है, बट इसका कोल्ड कफ और जो फीवर रहता है वो धीरे धीरे बॉडी को वीक बनाते जाता है और ये लंबे समय तक चलता है। तो जो भी सिम्टम्स 5-7 दिन से ज़्यादा चले उसको अपन इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, आइसोलेट हों और जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले अपन। व्हाट्सएप और इस दूसरे सोशल साइट्स पे लगातार ये फैलाया जा रहा है कि चिकन भी अब कोरोना के बीच में आ गया है, शराब भी आ गई है। तो कुछ लोग कहते हैं शराब पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, चिकन खाने से कोरोना लगातार बढ़ेगा, जो मतलब कहना चाहिए कि उसके रेट तक गिर गए हैं। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए ये अभी मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल मिथक है कि अल्कोहल पीने से आपको कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अल्कोहल का यदि आप स्टरलाइजेशन जैसा यूज़ करते हैं, यदि सरफेस स्टरलाइजेशन जैसा यूज़ करते हैं, हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन पीने वाला जो बात है वो बिल्कुल गलत है, अभी तक मेडिकल साइंस में इसका प्रूफ नहीं हुआ है। दूसरी रही बात चिकन का, तो चिकन का भी जो चीज़ देख रहे हैं, चिकन का या नॉनवेज का, तो इसमें भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। ये जैसे ही बताया कि ये जो चीज़ होती है ये कॉन्टैक्ट डिसीज़ है, कॉन्टैक्ट और एरोसॉल स्प्रेड होता है इसका, तो या तो ये ड्रॉपलेट से होगा कि जो छींकने और खांसने से होगा, या तो ये कॉन्टैक्ट से होगा। तो देखिए क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है ये मेन इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और नॉनवेज हो गया, चिकन हो गया, अल्कोहल हो गया, इसका कोई भी इसमें कोई भी अभी तक जो है मेडिकल साइंस ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। सैनिटाइजर्स और मास्क जो कहना चाहिए विलुप्त होने के कगार पे अब पहुंच गए हैं, तो इसका क्या रोल है? ये बेसिकली लोगों का डर है, और मास्क की इसमें ज़रूरत नहीं है, मास्क को उन्हीं को मास्क की ज़रूरत है जिनको कि सिम्टम्स आ रहे हैं, या तो जनरल खांसी या जनरल जो है कोल्ड या जनरल वायरल फीवर के, या तो अपने को सिम्टम्स जो आ रहे हैं जिनको भी खांसी आ रही है, छींक आ रही है, रनिंग नोज हो रहा है, वो मास्क लगाए ताकि दूसरों को ना हो। लेकिन जनरल आदमी में मास्क का उतना ज़्यादा इसमें कोई भी इफेक्ट अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं, क्योंकि आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह है कि सैनिटाइजर का बिल्कुल इसमें यूज है। सैनिटाइजर भी ऐसा है कि आप घर में होममेड भी बना सकते हैं, आप सैनिटाइजर को आप जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं। आप सैनिटाइजर घर में बनाना है तो बहुत ही आसान सा है कि आप एलोवेरा को और थोड़ा अल्कोहल को आप मिला दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए, आपका सैनिटाइजर बन जाएगा। मेन इसमें यही पर्पस है कि ये जो वायरस होते हैं ये सरफेस में 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं, तो जब भी आप टच करते हैं तो उसके बाद इसमें बार बार हाथ धोएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाथ से आप कभी भी जो आँखों को या नाक के म्यूकोसा को या मुंह के म्यूकोसा को आप वहाँ पे उंगली मत करिए, क्योंकि वहीं से ही आपका जो वायरस है वो फैलता है। तो इसमें यह है कि यदि कभी भी आपको चेहरा यदि छूना पड़े हाथ से तो उससे पहले आप सैनिटाइजर का यूज़ करिए या सिंपल साबुन का यूज़ करिए, या डेटॉल हो गया, लाइफबॉय हो गया, ये सब साबुन का यूज़ करके हाथ धो के आप इसको टच करिए, तो उससे जो है काफ़ी हद तक ये आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र नायक बालाजी सुपर हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल से, इन्होंने काफ़ी आसान भाषा में आम जीवन में आप कैसे कोरोना वायरस के लक्षणों को पहचान सकते हैं, उससे बच सकते हैं और क्या आगे कवायद कर सकते हैं ताकि आपको संक्रमण ना हो, आप उससे बचे रहें। TRP न्यूज़ देख रहे थे, मैं आदित्य त्रिपाठी, कैमरे के पीछे समीर कश्यप हैं।